कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर लगी मुहर। पंचायत परामर्श समिति के गठन को भी मिली मंजूरी। बिहार में अनलॉक की हुई शुरुआत। दुकान खोलने की बड़ी अवधि। राज्य में रहेगा नाइट कर्फ्यू। अपराध से दहल उठा बिहार। पटना सहित कई जिलों में बेखौफ अपराधी वारदात को दे रहे अंजाम। सरायकेला में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है और उसकी जानकारी सबसे पहले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने दी। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन को कोरोना के संक्रमण को कम देखते हुए खत्म कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि कई पाबंदियों के साथ कई रियायतें भी बिहार वासियों को दी गई है। बता दें कि बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 5 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। वहीं 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खोले जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अल्टरनेट डे पर सभी दुकानें खोलेंगी, यानी एक एक दिन करके दुकानें खोली जाएंगी। 50% उपस्थिति के साथ निजी कार्यालय में कर्मी आ सकते हैं, निजी कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं सरकारी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। बता दें निजी गाड़ियों के परिचालन पर भी रोक इस बार नहीं रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि सभी शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ऑनलाइन कार्य जारी रहेगा। शादी समारोह में भी महज 20 लोगों को आने की अनुमति है। तो ये कुछ रियायतें और कुछ छूट दी गई है। इस बार अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है बिहार में कोरोना के संक्रमण को कम देखते हुए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 11 एजेंडों पर मुहर लगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और इसके तहत मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को वो तमाम अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी तो उन्हें जो उन्हें पहले मिला करती थी। 16 जून से ही नए नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में 2016 में गठित पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून को स्वतः भंग हो जाएगा और परामर्शी समिति 16 जून से काम करने लगेगी। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज की जगह परामर्शी समितियां काम करेंगी। सरकार के जारी अध्यादेश के अनुसार अब इसके तहत पंचायत सिस्टम में पदों के भी नए नाम होंगे, यानी जो नाम थे वो बदल दिए गए हैं। 16 जून से जो परामर्शी पंचायत परामर्श समिति बनाई गई है, जो गठन किया गया है, उसमें बदलाव भी किए गए हैं। और राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि बिहार में अब अनलॉक की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉकडाउन की जरूरत है, तब सरकार ने नहीं सुना। तो पता नहीं अब किस विशेषज्ञ से राय लेकर बिहार में अनलॉक की तैयारी कर रहे हैं। सबसे अधिक जरूरत बिहार में अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना है और लोगों को जागरूक करना है। सरकार जरा इस पर भी ध्यान दे। का संक्रमण दर घटता जा रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर सतर्कता और सावधानी जरूरी है। बिहार सरकार ने आज फैसला लिया है, चौथे लॉकडाउन की समय सीमा आज पूरा हो रहा है। इसके बाद कल से अनलॉक हो जाएगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, यानी अब बिहार अनलॉक की ओर बढ़ा है। लेकिन नाइट कर्फ्यू बिहार जैसे राज्य के लिए समझ से परे है। विपक्षी दलों से भी सरकार ने कोई राय नहीं मांगी थी। नेता प्रतिपक्ष ने जिस समय राय दिया था, सरकार ने तो एक भी सुझाव सलाह नहीं मानी। और जिला प्रशासन के नेतृत्व में एक बार फिर पटना के होटल पाटलिपुत्र में कोविड वैक्सीन टीके की शुरुआत की गई है, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि अब प्रतिदिन करीब 1000 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह का टीका मिलेगा। बता दें कि लोगों को 3 शिफ्टों में वैक्सीन दी जाएगी।
तो राजधानी पटना में एक बार फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। कोविड और कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों दिया जाएगा। हम लोग अभी पटना में दो ऐसे सेंटर बनाए हैं जो 24/7 काम करेगा। एक होटल अशोका पाटिल पुत्रा जो इनकम टैक्स चौराहा बीरचंद पटेल पथ पर है, और दूसरा हम लोगों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग को बनाया है। तो दोनों जगह हम लोगों के 24 घंटे ये केंद्र चलेगा, और इस पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जिसमें पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं उन लोगों का भी और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी। और जहां एक और पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मुंगेर जिले के सदर अस्पताल का आईसीयू अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का शिकार बना है। बता दें कि सदर अस्पताल के आईसीयू का दो एसी पिछले एक साल से खराब है। यही नहीं, आईसीयू में भर्ती मरीज और उसके परिजन आईसीयू फर्श पर लेटकर अपना समय गुजार रहे हैं। और कोरोना से लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रवासी भारतीय भी बढ़ चढ़ कर आगे आने लगे हैं। दरअसल जिले के खड़गपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति और प्रवासी भारतीय महेश टेकरीवाल ने वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए खड़गपुर अस्पताल और युवा मारवाड़ी मंच को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। वहीं एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर को, जबकि दूसरा युवा मारवाड़ी मंच को जनमानस की सेवा के लिए दिया गया है। कोरोना महामारी से को देखते हुए खड़गपुर अनुमंडल में ऑक्सीजन की कमी की जानकारी स्वर्गीय बेनीराम टेकरीवाल के पुत्र जो अभी वर्तमान अमेरिका में रहते हैं नाम श्री महेश टेकरीवाल के द्वारा खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एक मारवाड़ी युवा मंच में दान स्वरूप दिया। और कटिहार में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया है। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ के कमेटी में कुल 31 सदस्यों को स्थान दिया गया है, और उस मौके पर जेडीयू महिला जिलाध्यक्ष माला देवी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के आदर्श हैं। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को उचित सम्मान दिया है, जिस कारण से वैसे ही जेडीयू से महिलाओं का एक विशेष नाता रहा है। की कमेटी विस्तार किए हैं, जिसमें कि 31 जिला कमेटी में हुई है महिला, और सारी प्रखंड के प्रखंड कमेटी भी मैं तैयार की हूँ। सारी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं। महिला कमेटी आज पूरा हो गया है, और उसको मैं आज जितने भी हमारी कमेटी में महिला साथी हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में औरंगाबाद युवा परिषद जिलाध्यक्ष विजय कुमार उर्फ गोलू यादव के नेतृत्व में राज्यव्यापी जल सत्याग्रह किया गया, और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पप्पू यादव की असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारी और शासन के हनक पर जेल के अंदर रखना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। आज पूरे बिहार में जन अधिकार अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर जल सत्याग्रह हम लोग आयोजन किए हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग जो बदहाल व्यवस्था है, इसके खिलाफ लगातार हमारे नेता उजागर बिहार में घूम घूम कर अन्य हॉस्पिटल में कर रहे थे। ये सरकार के गुंगी बहरी सरकार जो मनमानी तरीके से काम करने का काम करता है, जो आम आवाम को जिंदगी के नसूर बना दिया है। पटना के अंधकार के नारे जो आपके कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया और पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को रिहा करने की सरकार से अपील की और सरकार से मांग की, और इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने यह भी आग्रह किया कि नीतीश सरकार पप्पू यादव की जल्द से जल्द रिहाई करे और कोरोना से जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी की ओर से लगातार सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों की मदद की जा रही है। इसी कड़ी में दीघा से बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने बीजेपी कार्यालय के पास स्लम बस्ती में छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने की चीजें बांटी। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए पैम्फलेट भी बांटा जा रहा है ताकि बच्चे शिक्षित हो सके। आज दीघा विधानसभा के जितने झुग्गी झोपड़ी बस्ती है वहाँ बच्चों को हम लोगों ने सेवाही संगठन के माध्यम से
उसके अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है सभी बच्चों को सामग्री वितरण के लिए, यहाँ बिस्किट है, मास्क है, दो दो पैकेट चिप्स है, बॉल है और पढ़ने योग्य ये पैम्पलेट भी देख रहे होंगे, ये देने का काम कर रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया बिहपुर प्रखंड के बभनागमा बबगाना निवासी पत्रकार ने नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्रकार ने गुहार लगाया है कि उसके पड़ोसियों ने उसके साथ और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। मारपीट में पत्रकार के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रभारी है या जो भी छोटा तरह है नहीं बता सकता मैं, तो वो उन्होंने उनको क्या रिपोर्ट दिया कि जो पार्टी है रोशन कुमार, उन्होंने खुद ही अपना घर तोड़ लिया। क्या कहीं भी ऐसा आपने सुना? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर तो वही है जो कि आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि फेंक दो कलम और उठा लो बंदूक। तो हम लोग इस स्टेज पे संभवतः पहुंच चुके हैं और मे बी ये हो सकता है। बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बोझा में एक बिजली मिस्त्री की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से हड़कंप की स्थिति बन गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि बीती रात उन्हें लगभग 9 बजे बिजली ठीक करने के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। जब सुबह परिजनों को उनके शव मिलने की सूचना मिली तब परिजनों में कोहराम की स्थिति हो गई। बता दें कि पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप चुकी है और मामले की जाँच में जुटी है। तो किसी के साथ बिजली रिपेयर करने के लिए निकले थे, जिसमें नहीं आने के बाद आदमी खोजबीन में लग गया और खोजबीन नहीं मिलने के बाद जैसे सुबह में से करीब 5 बजे बेलहा गांव का ग्रामीण कन्फर्म किए, जो आपका लाश यहां पड़ा हुआ वहां से बरामद हुआ बेलहा गांव से। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरिया में किसान का शव मिलने का मामला सामने आया है। मामले में एक तरफ जहां पुलिस को प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना में मौत होने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस पूरे मामले में गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले के हर बिंदु पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ट्रक ने इसको ओवरटेक करके इसको पीछे से धक्का मारा, धक्का मारने के बाद ये गाड़ी पलट दिया और उसी पे वो ट्रक पलट गया। छरी लोड हुआ ट्रक था उसी पे पलट गया, जिसमें 3 लोग पिंटू सिंह, उसकी वाइफ काजल सिंह और बेटा रेहान स्पॉट डेड कर गया। सब सुख का दिन आया तो बेचारा चलते गया, इस पर अब क्या बोला जा सकता है। ऐसा दुखद घटना हुआ, परिवार का अपने गया, पत्नी गई, बच्चा गया, अभी एक अपना नया मकान बनाया है गांव में हमारे गांव के। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक के कर्मी को लूटपाट के दौरान गोली मार दी, जिसके बाद कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घायल कर्मी को आनन फानन में निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अपराधी 3 की संख्या में थे और लूटपाट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें से 3 गोली कर्मी को लग गई। बता दें कि लूटी हुई रकम का खुलासा अब तक नहीं हुआ है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय से विधानसभा केंद्र चला रहे हैं, बेगूसराय से पैसा निकाल कर जा रहे थे, उसी कारण लक्ष्मीपुर में एक बैंक है, बैंक के सामने ही गोली मार कर पैसे लेकर और मोटरसाइकिल, पैसा तो जिसको गोली लगा है वही बताएगा। कैमूर के भभुआ में रेल से कटकर 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि हादसा रेलवे लाइन पार करने के दौरान हुआ है। वहीं घटना की जानकारी जीआरपी पुलिस ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप चुकी है। मोहनिया स्टेशन पर रेल में अज्ञात लाश कट गया था, एक आदमी उसको खोजबीन हुआ, इधर उधर पता लगाया गया तो भरखर का है, तो पता भेज दिया गया तो वहाँ से लोग आ गए, उसी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भभुआ सदर अस्पताल हम लोग लाए हुए हैं।
लखीसराय के मैदुनी चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर उच्च विद्यालय के सामने एक अनियंत्रित ट्रक ने पैदल चल रहे 19 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों के साथ ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर पटना की है, जहां दानापुर में कुछ दबंगों ने पार्किंग विवाद को लेकर एक महिला की जमकर पिटाई कर दी और इस पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। बता दें कि इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अन्याय हुआ इनका, यहाँ दूसरे बेटी गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, इनका काउंटर के पास गाड़ी लगा है, उनको लड़ाई करने के मकसद से हुआ है कि हमसे लड़ाई करे हैं, इनको समझ रहे होंगे कि कमजोर हैं या क्या हैं, इसलिए लड़ाई करने। अभी हम आते ही देखें इनका काउंटर और दरवाजा, कहीं कुछ कहता नहीं है कि दूसरे व्यक्ति आके गाड़ी लगा के मारपीट करेगी काउंटर। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सरेआम गोली चलने का मामला सामने आया है। वहीं इस गोलीबारी में दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें एक के सीने और दूसरे के पैर में गोली लगी है। दोनों बता दें कि सगे भाई बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को उचित उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि परिजनों ने गांव के ही शशिकांत यादव और सत्येंद्र यादव पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने से शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन सुबह में शराबबंदी की पोल खुलती नजर आती है। इसी कड़ी में वैशाली जिले में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए महनार थाने की पुलिस ने हसनपुर में एक घर से 7 लीटर देशी शराब को बरामद किया है। वहीं पुलिस की भनक लगते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। सूचना मिला कि हसनपुर दक्षिणी में एक झोपड़ीनुमा घर में देसी शराब का जो है मतलब कारोबार होता है, वहां पर के आदेशानुसार छापेमारी की गई और 7 लीटर के लगभग देसी शराब प्राप्त किया गया। कोई गिरफ्तारी आप हुआ है क्या? अभियुक्त तो जो भी था वो भाग गया। झारखंड से लखीसराय जिले में तस्करी के लिए लाए गए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 6 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और इस संबंध में जानकारी देते हुए लखीसराय के सदर एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया
कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से करीब 6 शराब तस्कर बरामद शराब की खेप के साथ लखीसराय जिले में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक महोदय लखीसराय को सूचना थी कि शराब कारोबारी जो है लगातार कुटहा बढ़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटहा और कुटहा दरियापुर जो एरिया है बाईपास से सटा मतलब एनएच से सटा हुआ वहाँ शराब की तस्करी मतलब झारखंड स्टेट से लेके आके वहाँ स्टोरेज करते हैं, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रात में करीब 1:30 बजे 7 तारीख रात में 1:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी NH-80 पे बहादुरपुर उपस्थित कंजू सिंह के लाइन होटल पर छापेमारी हुई, तो वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 6 व्यक्ति पकड़े और 6 व्यक्ति का जब एनालिसिस DIO की टीम और ऑफिसर किया गया तो सभी का कनेक्शन झारखंड से लेके कुटा। कटिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गंगा महानंदा और कोसी के कहर के कारण बाढ़ के रेड जोन माने जाने वाले कटिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। और इस तैयारी में सबसे खास बात यह है कि अचानक आई बाढ़ से जो जानमाल का नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है, और इसी को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने एक नायाब तैयारी करते हुए होमगार्ड BMP के जवान और कुछ निजी गोताखोरों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में BMP 7 के विशेष प्रशिक्षक के माध्यम से बाढ़ के दौरान किसी भी व्यक्ति के डूबने की स्थिति में किसी तरह उसकी जान को बचाया जा सकता है, और इसे लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 100 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला पूर्व से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसको लेकर के एक DM साहब SP साहब के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी आपदा को लेकर के, तो उससे बचाव के उपाय के क्रम में एक सुझाव आया कि BMP में कुछ ट्रेंड जवान हैं जो पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए हैं, तो उनके साथ एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया गया जिसमें जिला में जो लोकल गोताखोर हैं जो पहले से काम कर रहे हैं या फिर हमारे होमगार्ड के और पुलिस के जवान जो तैराकी में एक्सपर्ट हैं और जो स्वेच्छा से बाढ़ में आपदा में काम करना चाहते हैं उनकी एक टीम बनाई गई। देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है ना ये इसमें जो स्थानीय गोताखोर हैं और तैराक हैं उनके साथ जिला पुलिस के जवान और बिहार गृह रक्षा वाहिनी का जवान को मिला करके हम लोग एक संयुक्त टीम का गठन कर रहे हैं अंचल वाइज 16 अंचल। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत फूस बंगला स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग में चोरों ने लगभग 10 से 12 लाख रुपए के जेवर और 25 से 30 हजार नगद पर हाथ साफ कर लिया है। घटना के बाद से बिल्डिंग में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही जोड़ा पोखर पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। जब ड्यूटी से वापस आया तो मेरा ताला टूटा हुआ पाया तो मुझे लगा मैं हड़बड़ में कहीं खुला तो नहीं छोड़ गया। मैं जब अंदर गया तो मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था, मुझे लगा मेरे घर में चोरी हुई। ये फूस बंगला हुआ, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का कैंपस है, उसी बिल्डिंग का पार्ट है। विनय जी हमारे बगल में है और हम जस्ट पड़ोसी ही हैं। चतरा के सिमरिया में CRPF 190 बटालियन के 2 जवानों के बीच आपसी विवाद में गोलीबारी की खबर सामने आई है। दोनों जवानों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर ही बंदूक की ट्रिगर दबा दी और इस गोलीबारी में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। CRPF जवान की पहचान काली सिंह गुर्जर और रविंदर सिंह जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं उनके रूप में की गई है। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर SP समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे। और कोरोना महामारी के कारण बासुकीनाथ धाम में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध अष्टावनी मेले के आयोजन पर लगातार दूसरे वर्ष भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण महीनों से बासुकीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद है और लगभग 1 महीने बाद आरंभ होने वाले प्रसिद्ध अष्टावनी मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। और ये जो भी तैयारी करना है प्रशासन को करना है और प्रशासन के स्तर से अभी तक जो है इसमें से कोई जो है फील्ड में किसी तरह का गतिविधि देखने को नहीं मिल रहा है, जो बहुत ही दुखद है, चिंताजनक है।
पिछले साल भी सावन नहीं लगा है, इस साल भी सावन नहीं लगना यहाँ के लोगों के जीवन मतलब जीवन को इस तरह से समझिए कि पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना के समान है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। हम सभी परेशान हैं कोरोना से, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सभी मिलकर अच्छे से इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे। हमने कई अपनों को खोया है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी कई ढेर सारे अपने हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क पहने, लोगों से दूरी बनाकर रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।